सीजन 6 की एक्स कंटेस्टेंट और सलमान खान की हीरोइन रह चुकी सना खान इन दिनों काफी ज्यादा चर्चाओं का विषय बनी हुई हैं। वजह है उनका बॉलीवुड को अलविदा कह देना। सना का फिल्मी करियर बहुत लंबा तो नहीं रहा, लेकिन पर्सनल लाइफ के चलते वो अक्सर सुर्खियों में जरूर रही। अब जो उन्होंने धर्म के नाम पर कदम उठाया है, उसके बाद से सोशल मीडिया पर सनसनी मची हुई है। बॉलीवुड से रिश्ता तोड़ने के बाद सना खान ने अब पहली बार एक वीडियो शेयर किया है, जिसके चलते वो कट्टर इस्लामिक सोच वाले लोगों की नाराजगी का शिकार हो रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सना काफी न्यूड मेकअप के साथ प्रिंटेड दुपट्टे में दिख रही हैं, लेकिन सना का मेकअप करना यूजर्स को पसंद नहीं आया और लोगों ने उन्हें कुरान पढ़ने की सलाह दे डाली। एक यूजर ने उनके मेकअप पर सवाल उठाते हुए उनसे पूछा कि क्या कुरान मेकअप की अनुमति देता है। एक अगले यूजर ने उन्हें नसीहत देते हुए लिखा कि तुमने मेकअप क्यों किया हुआ है, जाकर कुरान और हदीस के बारे में थोड़ा पढ़ लो पहले। इसके बाद एक और यूजर ने उनके पिछले गाने में उनके कपड़ों पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि वजह तुम हो गाने में पूरे शरीर की नुमाइश कर अपने जिस्म को दिखाने के बाद किस बात का पर्दा कर रही हो। आपको याद दिला दें कि सना ने इंडस्ट्री छोड़ते हुए इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था कि भाइयों और बहनों, आज मैं अपनी जिंदगी के एक अहम मोड़ पर आपसे बात कर रही हूँ। मैं सालों से शोबिज की जिंदगी को सार रही हूँ और इस अरसे में मुझे हर तरह की शोहरत, इज्जत और दौलत अपने चाहने वालों की तरफ से नसीब हुई, जिसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद लंबी धार्मिक वजह बताते हुए उन्होंने इंडस्ट्री को छोड़ने का ऐलान किया था। अब चलिए आपको उनका वो वीडियो दिखाते हैं जिसके चलते लोगों ने उन्हें ट्रोल किया है। देखिए जरा ये वीडियो। उखरिजत लिन्नास, यू एंड आई हैव बीन क्रिएटेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड, सो या अल्लाह, व्हाट डू वी डू? तहमरूना बिल मारूफ विद योर एक्शंस एंड योर वर्ड एंड योर स्पीच. Go and tell everyone what pleases me. Watanhauna anil munkar. And again with your actions and words in your speech, go and tell people what displeases me. And if you do so, tukminuna billah. It will increase your iman. It will increase your faith in me. Lot of scholars say that it will increase your faith on such a high level that you yourself will be shocked. And if you, I and all of us try and live the life of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah will safeguard our iman till the last breath of our life. May Allah bless us all.